बड़ी खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेलवे के कोचिंग डिपो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक बोगी के पास से आग की लपटी उठने लगी और आग ने बोगी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। रेल कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाई और अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी। हालांकि दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा है एवं कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा कि रेल रिपेयरिंग के स्थान पर फैले आयल में आग लगी थी, जिसकी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम मध्य रेलवे की CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। फायर ब्रिगेड में सूचना आई कि कोचिंग डिपो में यहाँ पे आग लगी है और आज दौरान नहीं वो तो मालूम है आज यहाँ लगी आग। हम लोग आए, हमारी दो गाड़ियाँ आई फायर की, यहाँ आने से पहले देखा तो उन लोग बुझा रहे थे, रेलवे वाले सब कर्मचारी लगे हुए थे बुझा रहे थे। उस बीच जो पर हमने भी अपना सहयोग करा, उसके द्वारा एक बोगी में आग लगी थी जिसका अभी काम चल रहा है और कंट्रोल में है आग। मैं रविंद्र राजपूत, फायर कोचिंग डिपो रेलवे के, रविंद्र राजपूत। आज जबलपुर कोचिंग डिपो में एक हल्की सी आग लग गई थी, जिसको कि मतलब यहीं के कर्मचारियों द्वारा ही बुझा भी दिया गया। उसके बाद दमकल की गाड़ियां भी आ गई थी, लेकिन आग बहुत हल्की थी एवं इससे किसी को भी कोई भी जानमाल की हानि नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई डैमेज नहीं हुआ है। वजह तो अभी इसकी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद मैं आपको दे पाऊँगा। ये तो एक्चुअली मुझे पता करना पड़ेगा ये चीज़, इसकी तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, जांच होगी उसके बाद में आपको पता। एक बोगी में भी वो एक्चुअली बोगी के अंदर कोई भी डैमेज नहीं है, वो आग जो लगी है उसका हल्का सा इफेक्ट रहा है उसकी आउटर सरफेस पे, जिसको कल ठीक कर दिया जाएगा।